शाहरुख खान की फिल्म पठान साल 2023 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनकर निकली। फिल्म का एक बड़ा बज़वर्दी पॉइंट था सलमान खान का कैमियो। सलमान के एंट्री सीन ने माहौल लूट लिया था। लोग डिबेट कर रहे थे कि शाहरुख को अपनी कमबैक फिल्म चलाने के लिए सलमान की ज़रूरत पड़ गई। ऐसी तमाम तरह की बातें हुईं, लेकिन अब सलमान ने खुद कह डाला है कि पठान के हिट होने में उनका कोई रोल नहीं, इसका पूरा श्रेय शाहरुख खान को जाता है। सलमान खान हाल ही में आपकी अदालत में बतौर गेस्ट आए थे। वहां उनसे ये सवाल किया गया कि क्या पठान उनकी वजह से चली है। इस पर सलमान का साफ साफ कहना था, बिल्कुल नहीं, ये क्रेडिट शाहरुख खान से कोई छीन नहीं सकता, आदित्य चोपड़ा से कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं, शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया है, ये सब फैंस शाहरुख की फिल्म देखने के लिए तरस गए थे, राइट टाइम राइट मौके पर एक राइट पिक्चर आई। मुझे लगता है कि पठान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट है। पठान सिर्फ इस साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म नहीं रही, बल्कि हिंदी भाषी फिल्मों में भी टॉप पर पहुंच गई है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने देश भर में 543.05 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया। पठान नो ब्रेनर किस्म फिल्म थी, जहां आप दिमाग नहीं लगाते, बस स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे एंजॉय करते हैं। लोगों ने पहली बार शाहरुख को इस लेवल का एक्शन करते एंजॉय किया, साथ ही एंजॉय किया सलमान के साथ उनकी केमिस्ट्री को। शाहरुख सलमान वाले सीन खासे पसंद किए गए। पठान के बाद ये दोनों टाइगर 3 में भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म के तगड़े एक्शन सीक्वेंस में दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे। इस सीन पर मल्टीपल डायरेक्टर काम करेंगे। खबर आई थी कि YRF इन दोनों एक्टर्स की स्टार पावर को भुनाने के लिए टाइगर वर्सेस पठान फिल्म भी लाएगा, जहां ये दोनों किरदार एक दूसरे के सामने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से प्रेरित होगी। टाइगर और पठान के बीच कुछ गलतफहमी होगी, उसके चलते दोनों पहले आपस में लड़ेंगे और फिर एंड तक सब कुछ क्लियर करके साथ आ जाएंगे। पठान की कामयाबी के बाद आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शाहरुख, सलमान, दीपिका, कटरीना और ऋतिक जैसे एक्टर्स पहले से इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। वॉर 2 में जूनियर NTR को लाने की बात चल रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आगे और भी बड़े स्टार्स इस यूनिवर्स से जुड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।